और अगली खबर, बड़ी खबर बहरोड़ से, जहां पर 26 घंटे बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो आपको बता दें कि रुक रुक कर ये आग सुलग रही है। वेयरहाउस में आग लगी थी, धानुका का मामला है, धानुका इंटीग्रेटेड फैक्ट्री का मामला, जहां पर कल सुबह ये आग लगी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 16 से 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। और इस दौरान कहा भी जा रहा है कि 100-100 फेरा भी यहां पर दमकल की गाड़ियां लगा जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और तकरीबन 15 करोड़ का अभी तक नुकसान यहां पर बताया जा रहा है, हालांकि अभी भी आकलन यहां पर बारी है। तो कोटपुतली के केशवाना में है ये धानुका एग्रीटेक फैक्ट्री, और जिस तरह से ये लपटे बार बार धड़क रही हैं, आग का जो धुएं का गुबार है वो आसमान में जिस तरह से छाया हुआ है, तकरीबन 20 गांव इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को आंखों में जलन, इसके साथ ही सांस लेने में भी यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हालात काबू में नहीं है, 26 घंटे बीत चुके हैं, रुक रुक कर ये आग सुलग रही है। दमकल की गाड़ियां लगातार आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग यहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये हर एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हर एरिया से दमकल की गाड़ियों ने यहां पर घेर लिया है, लेकिन कोशिश अभी भी नाकाम है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल अपडेट करें, क्या आग को बुझा लिया गया है या कोशिश अभी भी जारी है? देखो, मैं आपको बता दूं, आग अभी लगातार जारी है, हालांकि उस पर नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन पूर्णतः बाकी है। करीब ये मान लीजिए कि करीब 30 घंटे होने को है, अभी तक लगातार जारी है आग, यदि घटना पूरी अभी बुझी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसे धुआं, रासायनिक धुएं और केमिकल धुएं से निकलने से आसपास के लोगों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है, वहीं आंखों में जलन भी हो रही है। तो कहीं ना फैक्ट्री के साथ साथ जो आसपास के 15-20 किलोमीटर के जो गांव है, तो लोग हैं, उनको खासी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम यहां पर किए गए हैं अभी तक जितेंद्र? देखो, प्रशासन की तरफ कोई इंतजाम आप नहीं है, सीएफओ भी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सूचना देने के बाद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा, वहीं फैक्ट्री इन बल्र विभाग भी कोई नहीं पहुंचा है मौके पर, सिर्फ सीएफओ मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा था, कोटपुतले जो प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने जायजा लिया है। जी जितेंद्र, ये भी बताइए, क्योंकि आप उस दौरान मौके पर मौजूद थे, आपने हालातों को देखा, क्या आपको लगता है कि कितना और भी वक्त यहाँ पर लग सकता है, और नुकसान क्या आंकड़ा किया गया है, कितना नुकसान अभी तक यहाँ पर हुआ है? देखो, सबसे बड़ी जो लापरवाही रही वो फैक्ट्री प्रबंधन की रही है, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन के पास पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अगर इंतजाम होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हम बात करते हैं नुकसान से, तो करीब 15 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन लगाया जा रहा है, हालांकि अभी पूर्णतया अभी सर्वे नहीं किया गया है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही नुकसान का पूरा खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।